Amazing team of Bola, ladies and gentlemen. And without any further ado, of course, just cheese kill here. This film So give it up for this filmmaker extraordinaire, Ajay Devgan, ladies and gentlemen. Come on, make some noise uh, for him. So, please. So, welcome. गुड टू सी यू अभी ये टू डी में हमने देखा है तो ऐसा रिस्पॉन्सकोर्स थ्री डी में हम देखने वाले से या जब ये आएगी वॉट डू यू है एक्टर के तौर पर नहीं एज एन एज एन ऑडियंस ऑडियंस मेम्बर हेलो एवरीबडी मैं चाह रहा था कि सब ये थ्री डी में देखें लेकिन थोड़ा मेरा थ्री डी डिले हो गया फॉर द प्रोमो सो दो दिन बाद रेडी होगा काश में फिर से बुला के सबको दिखा सकता है श्योर sure, सर आप बुलाओगे तो पहले से पहले आ जाएंगे यहाँ पे सब लोग अभी इसमें ही धड़कने बाहर आ आ गए दिल बाहर आ रहा था उसमें तो ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी पता नहीं थ्री में आ जाती तो दिस इज लुक है तो पूरी फिल्म में एक ऐसा ही लुक है आ, कुर्ता एंड uh, माथे पे भसम है वो अब नहीं लगाई थी आज बट अदरवाइज लुक की बात हो गई सर यू नो जो भी काम आप करते हैं सरलता के साथ दैट सिंसियरिटी इज ऑलवेज देयर यहां पे भी मैं कह रहा हूं जिस दिन से फिल्म अनाउंस हुई है या जिस दिन से इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है दैट सिंसियरिटी दिख रही है और जिस हिसाब से पूरा देश और आपके फैंस इसका वेट कर रहे हैं दैट्स अमेजिंग सर व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा हाप करना है डायरेक्टिंग दिस दिस मूवी मूवी एक्टिंग इन नहीं आई थिंक सिंसियरिटी सभी में होती है एवरी फिल्म मेकर नॉट इवन जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री आई मीन हर आदमी जो काम करता है उसमें अपनी पूरी सिंसियरिटी डालने की कोशिश करता है और कुछ चीज़ें सही पड़ती हैं कुछ चीज़ें गलत पड़ती हैं uh, तो यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द होल प्रोजेक्ट एवरी एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिसपे आपको हाप करना है सो इट इट्स बेसिकली आई थिंक फिल्म मेकिंग इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग अगर सी हैव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन टू प्लेस I think he, in his clarity, hai, that is what makes him um, an amazing director, amazing producer, amazing actor. Ladies and gentlemen, Ajay Devgan, a Of course, on that note, would like to invite on stage uh, the leading lady here, ladies and gentlemen. She is gorgeous. She is. Uh, I'll, I'll fall short of adjectives. All I can say is, give it up for the very gorgeous Tabu, ladies and gentlemen. Welcome. Congratulations. Thank ट्रेडमार्क स्माइल यू नो ये इतनी लोगों की नर्वसनेस दूर कर देती है ना माहौल को एकदम शांत कर देती है you know, नौ नवी फिल्म साथ में सा? डायरेक्ट नहीं किया, कभी? नहीं, कभी नहीं किया. नहीं? He ये कोई और ही होते हैं जब भी डायरेक्टर होते हैं ये किसी से बात नहीं करते हैं. ये हंसते नहीं है नहीं ये है, मुस्कुराते हैं वैसे भी कम बात करते हैं और कम हंसते हैं बट जब वो डायरेक्टर होते तो आप इनके पास जाइए ही मत बिल्कुल ये कभी कभी भूल भी जाते थे कि शॉर्ट में आ, मुझे बताएं कि क्या करना है वो भी भूल जाते हैं इज लाइक क्या करना है हाँ अब बैठ जाओ जंप मारो ट्रक पे से फिर ऐसे किक मारो फिर जंप करो फिर ये करो फिर ऐसे पंच करो फिर गिर जाओ बस सिंपल दैट्स इज इंस्ट्रक्शन फॉर माई एक्शन मैं बोलती हूँ मैं अजय देवगन नहीं हूँ सर बट इज एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स एंड ही ये क्योंकि खुद एक्टर हैं तो ये एक्टर के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट हर चीज को देखते हैं और एक्टर को बहुत संभाल के रखते हैं अपनी फिल्मों में

साथ ही यहां पे बुलाना चाहूंगा ऑफ़ कोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इस yeah, फिल्म के पीछे जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को बैक किया आई कॉल हिम अ विजनरी ऑफ कोर्स ही इज एवरीवेयर एंड जिस खूबी के साथ ये ये अपने ऑडियंस की नब्स पकड़ते हैं मुझे नहीं लगता प्रोड्यूसर्स में ऐसा कोई कर पाता होगा लेई पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर भूषण कुमार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर सरकार फ्रॉम रिलायंस एंटरटेनमेंट ऑफकोर्स आई थिंक ही इज नॉट हेयर बट ही सेंट हिज बेस्ट विशेज फॉर आस ही सर सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ अजय सर के साथ पहले भी आपने काम किया है जी जी और अब जब यहाँ पर ये एज अ डायरेक्टर आपके सामने थे हाउ वॉज द एक्सपीरियंस सर प्लीज शेयर कीजिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अजय जी को जो चाहिए वो वही लेते हैं ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों में है सिंसेरिटी शायद uh, सब में होगी लेकिन दिशा क्या है ये इनकी बड़ी स्पष्ट होती है कि यही चाहिए सिंसेरिटी uh, हो सकती है दिशा नहीं होती है इनकी दिशा भी बड़ी क्लियर है कि मुझे ये चाहिए और इन्होंने मेहनत करवाया है हमसे और मैंने मेहनत किया है uh, मैं आभारी हूँ कि uh, अजय जी ने मुझे चुना और मैं भोला फिल्म में हूँ थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सो मच संजय सर दिस वंस फॉर यू ये जोड़ी जो है आपकी भी बड़ी कमाल की है एक बार नहीं कई बार सर के साथ काम किया है यहाँ पे जब वो डायरेक्ट कर रहे थे था जब मैं काजोल मैडम इनके साथ रहता था मतलब <laughs> हर <था। laughs> <था। laughs> फिल्म में मैं इनके साथ ही होता था राइट सो यहाँ पे जब वो डायरेक्ट कर रहे थे आपको और पूरे सेट का माहौल बिकॉज दिस इज ये ना एक तरीके से सेक्रेट लग रहा है वो वो बहुत सारा पावर पैक्ड एक्शन एट द सेम टाइम दिस इज वेरी सेक्रेट ये ऐसा लग रहा है झोंक दी है इसमें अपनी आत्मा किसी ने यू हैव टू से ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज एज एन डायरेक्टर अजय सर को बिल्कुल वही कहूँगा जो तब्बू मैडम ने कहा है इन्होंने एक एक कैरेक्टर के लुक पे बहुत मतलब मैं भी दो तीन बार जा कर के कैसा होना है क्या होना है और बुढ़ाऊ देख कॉमेडी नहीं है ठीक है बुढ़ाऊ कॉमेडी नहीं है पंद्रह बार इन्होंने मुझे कहा और सेट पर बिल्कुल ही अलग होते हैं ये बिल्कुल मुझे तो पहले दिन लग रहा था अजय देवगन होंगे डायरेक्टर होंगे आराम से आएंगे फिर कुछ बातें होंगी हाँ लेकिन मैं जितनी भी जल्दी हूं सेट पर भाई वहाँ पर भाई होते थे जितनी भी जल्दी ग्रेट थैंक यू थैंक यू सो मच सर संजय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए ऑफ़ कोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड नाउ दीपक भाई देखिए आपने पहले काम किया है सर के साथ ओमकारा की हम बात कर रहे थे सर से अभी बात कर रहे थे कुमार साहब से रायता तब आपने फैलाया था वहाँ पे। <laughs> यहाँ पे कितना रायता फैलाने वाले अजय भाई के साथ मेरी लॉन्चिंग हुई थी तो ये शायद दूसरी री लॉन्चिंग है।, right. है ना उसका नाम भी ओमकारा था इसका नाम भी भोला है तो कुछ भोले का कनेक्शन है दोनों शिव के नाम है ना तो से वही मतलब भोले की Uh, क्या बोलूं शरण में हूं बोले की शरण लवली थैंक यू सो मच दीपक सर भूषण सर दिस वंस फॉर यू प्लीज टेल मी अभी हम बात कर रहे हैं और हम ही नहीं हर कोई पूरी इंडस्ट्री में बात कर रहा है द क्रेडिबिलिटी जो आती है टी सीरीज के साथ बट बट व्हेन वी हैव दिस जेंटलमैन हियर नॉट जस्ट स्टारिंग इन अ मूवी उसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हैं उसके साथ साथ वो उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो वो भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है हाउ हाउ डू यू सी दिस अजय सर के साथ मैंने काफी फिल्में साथ में की हैं एंड इनसे ज़्यादा डेडिकेटेड एक्टर और डायरेक्टर uh, मैंने देखा नहीं है जिस तरीके से ये इतनी फिल्मों मेहनत करते हैं और वो हम सब देख ही रहे हैं स्क्रीन पे सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल ने काफ़ी फिल्मों में मुझे अपने साथ एसोसिएट होने का मौका देते हैं तो थैंक यू अजय सर आपने हमेशा <laughs> इतना सपोर्ट रखा है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच लई सिंह जर्मन भोला कि ये ड्रीम टीम यहाँ पे आई नो आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन उससे पहले जो हमारे यहां पे भाई लोग हैं कम इट्स ओवर टू यू ऑन क्लिक 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 विल अ क्विक फोटो ऑप वील द फाइनल फोटो अप इन सम टाइम या आफ्टर द मीडिया क्यू एंड ए Uh, Ajisa, my question to you is uh, You know, you have been a part of so many franchises, and you know, the character of Bhola looks very franchisable. Do you plan to spin it into a franchisee, and what excites you when when it comes to franchises? Yeah, it is. It is we planned it as a franchise, and if you when you see the film, uh, there's a surprise element at the end of the film, which you'll realize will move into a okay. part two or a franchise. If you okay. ओके एंड भूषण सर यू नो ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज ताना जी ट्वेंटी थ्री इज भोला हाउ डू यू यू दिस असोसिएशन दे आर लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टू आर द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द ईयर सो ना हाउ डू यू दिस असोसिएशन एक्सपेक्टेशन भोला एट द बॉक्स ऑफिस वापिस रिपीट होएगी वही चीज जब पहले हुई बॉक्स ऑफिस में दृश्यम से वो तानाजी से एंड दिस इज़ लुकिंग आपने देखा ही ये, ये उन फिल्मों से भी ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आई एम श्योर इट विल वर्क पिक टाइम hello. I'm finally here. Sir? I can see you. Yeah. On Other, yeah, hi. I think the m m movie looks quite good and I'm I, I'm actually quite excited to see the film. I've even wore oh, oh, the T-shirt. Thank you the so much. Here. So sweet. Yeah, yeah. So, you know, I think this is your first film in IMAX, if I'm not wrong. A, a triple R was, actually. But yeah, I, it's, I think it's yeah. the first so, film. Could, could you just, you know... And I would um, say, say a second know. film in 3D and uh, first film in yeah. IMAX. So, could you just um, let us know how that happened and... What was the whole whole thing behind going for an IMAX release? Uh, in fact, uh, we had planned 3D. Uh, we had not really thought of IMAX. Uh, and a couple of months back, uh, we by chance met. Uh, uh, there was there were some people visiting from IMAX uh, Hollywood, and uh, they came up and they said, "Why don't you do this?" And it was an idea. And then we started sharing it, and then things fell into place. And we thought we should definitely go into it. And, and the film is. Uh, an IMAX experience. It's it's a large scale film. So that's how we went ahead and did it. Hi, sir. Uh, this is Nawaz Kochra from Miss Malini. Uh, love the trailer. It's quite spectacular. So love the visuals. My question is for Sanjay, Sir, Deepak, and Vinit, sir. So, sir, in our industry, we've seen that the treatment, the villain concept of Bollywood is not the same that it used to be.

नहीं हुआ है आ, हर कोई एक चरित्र है वो चरित्र अगर गलत काम कर रहा है तो आप उसे विलन नहीं कह सकते हो उसका चरित्र है वो कि वो इस तरह का है वैसे ही आ, मिश्रा जी हैं वैसे ही आ, चंदन जी हैं सब लोग वैसे ही दीपक जी हैं सब लोग वैसे ही हैं तो ये मूलतः मुझे ऐसा जितने दिन मैंने शूटिंग की मुझे ऐसा लगा कि हर कोई अपने चरित्र को पकड़ के रखे हुए हैं कि मुझे यही करना है इससे अलग भटकना नहीं है और वो सारे क्लीशेज कि विलन ऐसा होता है या कॉमेडी ऐसी होती है इससे हम सब लोग बचे हैं अजय सर मेरा सवाल आपसे मैं इकबाल एन आई से सर सवाल यह है कि काफ़ी सारे ट्रेड पंडित हों ट्रेड एनालिस्ट हों या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका ये मानना है कि 2022 में जिस तरह से अजय देवगन का साल गुजरा है 2023 उससे भी बड़ा होगा भोला और मैदान के साथ और 2023 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से गुजरा है दृश्यम टू के साथ उसी तरह से पठान से शुरुआत होगी उसकी आप क्या मानते हैं इन तीनों फिल्मों को लेकर आपके लिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से मेरे लिए नहीं जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपरहिट हो गई तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और तीन चार फिल्में हम हमारी इंडस्ट्री में चाहिए सुपरहिट होना लगातार ताकि एक जो पैंडमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला ऑडियंस को एक फिर से एक मज़ा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है एंड uh, अब uh, जैसे पठान रिलीज़ हो रही है एंड uh, हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटेस्टिक आज तक कभी हुआ नहीं सो so, मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस हाय अजय सर अजय जी ऑन योर लेफ्ट हाय अजय जी आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही भोले एक्टर माने जाते हैं लोग ऐसा कहते हैं कि आप कभी कोई अपनी स्पॉटिंग नहीं कराते आप का भी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते तो इतने भोले क्यों हैं आप इतना ऐसा माना जाता है शांति uh, uh, से फिल्में करते हैं uh, फिर घर चलाते जाते फिर दूसरी फिल्मों का अनाउंसमेंट करते हैं वो हिट हो जाती है आई थिंक काम अगे? तो शांति से ही करना चाहिए क्योंकि स्पॉटिंग करके और कंट्रोवर्सी uh, क्रिएट uh, करके आई थिंक कोई नहीं कोई लंबा नहीं चलता आई थिंक थोड़ी देर शायद थोड़ा चल जाए बट uh, चलता आदमी सिर्फ काम से है और अगर आपका काम ठीक हो तो फिर आपको खुद बोलने की कोई जरूरत नहीं है लोग 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 कहते हैं अच्छा है या बुरा है एंड दिसव इन तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए और हमारी अपनी लाइफ में इतने इतना सारा काम है इतनी सारी तकलीफें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों की लाइफ में घुस के उनके बारे में सोचना उनके बारे में बातें करना आई थिंक आई थिंक बेकार है बहुत बेकार चीज है I can't tell you that. It depends. Now, what bula means? <laughs> It is a fantastic experience for anybody involved in the film where he is directing. Because, uh, like Sir was saying, he knows the direction. He knows exactly what he wants, and there is no nonsense around it. There is no frill, there is no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So, I think, and the best thing about working with him as a director is that he is so technically sound he has so much understanding knowledge experience and you know a skill for being technically competent and being clear that he knows exactly what's to be done and he knows what is unnecessary that's a very very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional where you do away with the unnecessary stuff so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required so he will not overshoot he will not make you overdo things, so you know and come pamper over pamper me. He didn't she even is, smile at me. She always way. <laughs> She's always pampered. She's always pampered. Hello Ajay sir, uh, this is Ravi from APP News. Ajay sir, शायद ये सातवीं या आठवीं फिल्म है, बताओ डायरेक्टर आप की, if I'm not wrong. चौथी, चौथी साइड. Uh, मैं आपसे जानना चाहूँगा uh, कि बताओ डायरेक्टर आपको कौन से डायरेक्टर इंस्पायर करते रहे हैं किन किन डायरेक्टर से आप इंस्पिरेशन लेते रहे हैं आई थिंक आपके आइडल रहे हैं आई थिंक आइडल कोई एक नहीं होगा आई uh, थिंक आप मैंने इतना ज़्यादा काम किया और हर किस्म के डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो जो बहुत ज़्यादा कमर्शल हैं उनके साथ भी काम किया है, और जो uh, और जो नॉन कमर्शल भी रहे जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब आई थिंक Uh, कोई मेन स्ट्रीम एक्टर तब उसे आठ सिनेमा कहा जाता था uh, कोई उन किस्म की फिल्में नहीं करता एक तो हमने भी साथ में की थी तक्षक तो गोविंद जी हो गए भट्ट साहब हो गए रा, रामू हो गया आ, ऐसे प्रकाश जी हो गए ऋतुपर्ण घोष थे हाँ, हाँ रत्नम तो कमर्शियल भी, भी बहुत सीखा और उसके साथ आ, Uh, एक आर्ट सिनेमा में भी सीखा कि यू नो ऑनेस्टी और रियलिटी भी कैसे रखनी है तो आज जब उस चीज़ों का मर्ज हुआ है कि आज लोगों को रियलिटी भी चाहिए और उसको बड़े स्केल पे उस ड्रामा में भी दिखाना है और वो भी चाहिए तो उन दोनों का जो मिक्स हुआ वो कहीं ना कहीं से आप रोज़ हर नए नए डायरेक्टर के साथ कुछ ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा क्या नहीं करना हाँ हाँ यू नो तो आप सीखते ही हैं तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं हर आदमी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है I mean, uh, रोहित से ज्यादा हार्डवर्क मैंने किसी का नहीं देखा करते हुए तो ऐसे इतने सारे नाम हैं कि मैं एक दो नाम ले नहीं सकता अच्छा एक और सवाल था सर आज 24 जनवरी और शाम को आरआरआर का फाइनल नॉमिनेशन ऑस्कर का फाइनल नॉमिनेशन पता चलेगा कि आर किन किन कैटेगरीज में कम्पीट कर रही है या नहीं आपने उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी आप क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं इस फिल्म की और जो ग्लोबल सक्सेस आरआरआर को मिला है जिस तरह से वेस्टर्न ऑडियंस प्रभावित हुई है फिल्म से आप क्या कहना चाहेंगे जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब जब हमारी फिल्में इंडस्ट्री की फिल्में चलती है आ, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज़ टेकन द फिल्म इंटरनेशनली और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकगनाइज की जा रही है जो कि बहुत ही बड़ी बात है जितने नॉमिनेशन मिले और जितने अवार्ड वो जीते आई थिंक uh, बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए रोल किए के कभी मिक्स नहीं होते हैं और लगातार इधर तो हम आपको देख रहे हैं मिक्स uh, नहीं होते कैरेक्टर्स कभी जवाब करती हैं ये इस हाँ, तरीके से लकीली एक्चुअली हर कैरेक्टर मुझे जो मिला है पुलिस uh, ऑफिसर का ही क्यों ना हो सब अलग अलग लोग हैं तो uh, सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर है वो इंसान क्या है उसकी ज़िंदगी क्या है उसके थाट्स क्या हैं यू नो उसकी आइडियोलॉजी क्या है तो ये सब चीज़ें कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं और मेरी सारी फिल्मों में कैरेक्टर uh, चरित्र जैसे उन्होंने कहा चरित्र अलग रहा है कैरेक्टर्स का इसलिए वो सब अलग लगते हैं तो अच्छा है, you know? so, really एक सवाल आपसे भी है अभिषेक को भी हमने बनारस में आपके साथ देखा था तो क्या वो एक सरप्राइज एलिमेंट है वो इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाएंगे पता नहीं है वो छुट्टी मनाने आए थे वो भी नहीं पता मुझे <laughs> <laughs> Uh, hi sir, hello. Uh, sir, this is Anjane from Film Window. Uh, sir, you have been associated from so many films, and uh, your films have been so good. Like uh, you have been a part of one film, uh, Shivai, of yours, and now Bola. It also seems very huge. So, in what ways the both are different? Because your look is also quite similar in Shivai, also. in Not Bola. at all. The look is not same at all. I mean, it's completely different, and they're the two different stories altogether. Uh, completely two different scripts, two different dramas, uh, two different characters for me, and in the whole film for everybody else. And actually, two different genres. I mean, uh, apart from the action part of it, uh, it's, it's kind of uh, a different genre, I would say. Uh, but the movies like uh, Shivai, Omkara, and now Bhola, it, it's, uh, it's quite evident uh, your love and uh, devotion for yeah. Lord Shiva. No, that is always there, but uh, sometimes it gets unintentional. You know, it just happens. Some things just happen. So it's not that uh, now Omkara was not my decision to be Omkara. You know, that was Vishal's decision. So some things just fall into place and just happen, come your way. So I would just say that it's a coincidence. Yeah, I'm. I mean, I'm a very big fan. But things And so ah, we take have two seen, uh, more questions, uh? Uh, sir. We have seen one. A very your. Uh, you you have breaked your rule of no kissing scene in the uh, shiva so is it possible that we can see somewhere in this pap lagega He is more excited about that जी, जस्ट टू मोर अजय सर, शिव के प्रेम से तो हम सभी वाकिफ है आपके, पर अगर इस पर्टिकुलर फिल्म की बात करूं, डायरेक्शन uh, भी, भी तो कोई ऐसा रहा, uh, think, uh, जो एक सेक्शन है हमने बनारस में शूट किया था उसमें आप देखेंगे दो तीन शॉट है uh, महाआरती के उसके सामने यू नो बोट्स लगा के हम, uh, शूट uh, कर रहे थे इट वॉज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू शूट एंड तो हमने बहुत सारे मल्टीपल कैमराज लगा कि ये पाँच मिनट में खत्म करना और आरती पंद्रह मिनट की होती है एंड सब आई मीन आई वॉन्टेड एवरीथिंग लाइव एंड रियल तो uh, वो जो चीज़ हमको लग रहा था कि सुबह से लग रहा था सुबह से हम प्रेप कर रहे थे ऐसे लग रहा था होगा नहीं होगा कैसे होगा एंड uh, ऐसे हो गया मतलब कि पाँच मिनट में ख़त्म हो गया सो दैट वॉज लवली हाय शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड तभी जी मेरा सवाल आपके लिए है हम जितनी भी बार आपको और अजय सर को ऑन स्क्रीन देखते हैं वी वांट मोर एंड मोर सो व्हाट इज इट दैट मेक इट सो रिफ्रेशिंग इज इट द बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप विच यू बोथ शेयर विद ईच अदर आई थिंक मोर देन दैट इट इज दी चार फिल्में हमने की होती साथ में तो बी आर वेरी लकी कि वो फिल्में जो हमने की हैं वो सारी चली हैं

And his actual intention is a uh, very emotional intention. So he, uh, it's a it's, uh, wrong, wrong person in the wrong place at the wrong time. That's the situation where he doesn't want to be. So he's forced to do all this. Uh, so it's that kind of a scenario. So that's why it's Bhula. Oh. Uh, uh, second Ji. question is huh? from Ajay Ji. Yeah. 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 Harshada here from Screen Graph. Yeah. Yeah. Uh, last year you closed the year with Drushyam through success. And okay. this year opening with then Bhula. So, as an actor, how do you feel about this graph of yours? But I've always tried to do different uh, genres, uh, uh, rotating uh, one after the other, so that I don't feel repetitive myself. So I've done Drisham, then now I'm doing Bhula, and after Bhula is Mehdan. They're all three different uh, genres altogether. That keeps me going. All right. So, ladies and gentlemen, that's all we have for you. Thank you so much. And this is teaser, teaser. अभी ट्रेलर बाकी है मेरे दोस्तों तब क्या होगा जब यहाँ पे इतना तगड़ा रिस्पॉन्स जोरदार हो जाए भोला के लिए course, भोला इन एंड विल गेट टू विटनेस समथिंग दिस अमेजिंग टीम यस प्रोड्यूसर्स लाइन कुमार मंगत पाठक साहब उनके लिए जोरदार थालियां Bikran Sharma ji is here, ladies and gentlemen. Shiv, sir. Shiv Chanana from T Series, of course, sir. And Bola Cruz and the rock stars, hain, of course. Please. I think, I think, I think, I think, let's finish this and then I'll just call Super. the HODs, And We'll quickly do this. Thank you so much. Sir, now the crew. Yes. Can we have the HODs of uh, this movie and, of course, the team, ladies and gentlemen? Hi. Congratulations to the entire team of Bhola.

All right. Uh, we are playing the teaser one more time, ladies and gentlemen, because uh, some of our eminent journalists they came in a little late. So we'll we'll play that one more time. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. जर्मन यू गाइज व सुब एंड ये टीजर था जैसे मैंने कहा ट्रेलर अभी बाकी है दोस्तों